Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 6.2 from chapter 6 percentage and its applications of class 8 ML Akpal. Description में आपको playlist link मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप all videos one by one देख सकते हैं. Let's start from question 1, which is find the profit or loss percentage when CP is equal to rupees 400, SP is equal to rupees 468. तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो क्लियर है. तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है. तो आपको ध्यान में होगा कि जब भी हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो प्रॉफिट होगा, एंड जब सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमारा लॉस होता है, ठीक है. तो यहाँ देखिए सीपी है 400, यानी कि इसके ऐसे समझिए कि कोई सामान आप 400 रुपीज में खरीद के लाए हो एंड 468 रुपीज में आप सेल कर दिए, है ना. 400 का खरीदा, 468 में हमने बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो क्लियर है कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है. क्योंकि सेलिंग प्राइस देखिए नंबर ये बड़ा है, तो हम प्रॉफिट पहले निकालेंगे देन प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्लियर. तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस हमारा 468 है तो 468 माइनस कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़, 400 तो इज इक्वल टू हो गया ₹68. अब जब हमने प्रॉफिट निकाल लिया तो इससे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है. तो इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट हमारा आ रहा है 68, तो प्रॉफिट की जगह 68 लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़ है तो नीचे 400 इंटू 100, अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 68 हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 17 4 जार 68 होता है, तो ठीक है. तो 17 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो इसकल टू क्या हो गया, 17% इज द आंसर, क्लियर. यहाँ पे 100% लिखेंगे. नाउ इट्स सब पार्ट टू इज सेल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹13,600 सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹12,104, क्लियर. अब यहाँ हम देखेंगे दोनों में छोटा बड़ा कौन है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस छोटा है. जब भी सेलिंग प्राइस छोटा होता है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है. फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, मान लो आपने 10 रुपीज़ का कोई पेन खरीदा, ठीक है, 8 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, 10 में खरीदा 8 में हमने बेच दिया तो हमें लॉस हो रहा है. वही चीज़ यहाँ पे है, 13,600 में आपने कुछ खरीदा एंड 12,104 में आपने बेच दिया तो आपको लॉस हो रहा है. तो यही हमें यहाँ पे निकालना है क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, ठीक है. तो हम लॉस निकाल लेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, तो सीपी हमारा है 13,600 माइनस सेलिंग प्राइस है 12,104, इसे हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाता है हमारा ₹1,496. जब लॉस निकल गया तो हमें लॉस परसेंट निकालने हैं क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%. यहाँ आप ध्यान देना, हमेशा प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%. जब लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, क्लियर. अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लॉस हमारा हो रहा है 1,496 अपॉन कॉस्ट प्राइस 13,600, वो लिख लेंगे इंटू 100, अब दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, अब 136 से 1,496 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 11, तो इज इक्वल टू 11% इज द आंसर, क्लियर. नाउ क्वेश्चन टू इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1,636.25 और डीलर गेन्स ₹96.25, फाइंड हिज गेन परसेंटेज. अब यहाँ पे देखिए एक डीलर है जो कि कोई सामान बेच रहा है 1,636.25 में बेच रहा है, तो उसे 96.25 का क्या होता है, गेन हो रहा है, गेन यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो क्लियर है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, प्रॉफिट दिए हुआ है, प्रॉफिट यानी कि गेन्स दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालने हैं, क्लियर. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब गेन परसेंटेज करने हैं निकालने हमें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट दिए हुआ है, सेलिंग प्राइस दिए हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो सोचिए आप. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, और क्वेश्चन में सीपी नहीं है, तो क्लियर है कि हमें पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालने हैं,
ठीक है। तो ध्यान में आप रखना कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया हो एंड प्रॉफिट दिया हो तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है, ठीक है। तो चलिए इसे एक छोटा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप कोई सामान 10 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, है ना, ये आपका मान लीजिए सेलिंग प्राइस हो गया, 10 रुपीज़ में बेच रहे हो और इस बेचने में आपको मान लीजिए 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर। तो 10 रुपये में आप सामान बेच रहे हो, इस 10 रुपये पर आपको 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको बताने की कॉस्ट प्राइस क्या है, क्या है, आपने कितने में सामान खरीदा था, हम कैसे पता करेंगे। इस 10 में से 3 को माइनस कर देंगे यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें CP निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 3 माइनस किए तो 7, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना हुआ, 7। 7 रुपीज़ में आपने सामान खरीदा, 10 रुपीज़ में बेच रहे हो, तभी तो आपको 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस पता है, गेन पता है, और हमें गेन परसेंट क्वेश्चन में है, तो गेन परसेंट के लिए हमें पहले प्रॉफिट चाहिए, सॉरी कॉस्ट प्राइस चाहिए फार्मूला। तो कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से गेन को माइनस कर देंगे, क्लियर। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे CP इज इक्वल टू, तो CP क्या हो जाएगा, SP माइनस गेन, गेन या प्रॉफिट आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इक्वल टू 1636.25 माइनस गेन है 96.25 इज इक्वल टू, अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाता हमारा 1540.00, ये रुपीज़ हो गया, रुपीज़ 1540, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आ गया, गेन हमारे पास है, तो क्लियर है गेन परसेंट हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर गेन परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन, गेन की जगह प्रॉफिट भी लिख सकते हो ना, CP इंटू 100%, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन हमारा हो रहा है 1540, तो आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख लेते हैं, गेन हमारा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 96.25 अपॉन CP हमने निकाला 1540 इंटू 100%। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल हम हटा लेंगे तो क्या होगा, ऊपर का, ऊपर में 2 डिजिट है, दैट मीन्स नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, तो 100 हमने नीचे लिख लिया, यहीं पे मैं डेसिमल हटा लिया हमने। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर लेंगे, तो देखिए दोनों 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, नाउ 5 से 1540 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 308, एंड 5 से 9625 को डिवाइड कीजिए तो ये आ जाता है 1925। अब तो अब रिड्यूस नहीं होगा तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 1925 अपॉन 308। अब 308 से 1925 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाता है हमारा 6.25% इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹770 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹110, फाइंड हिज लॉस परसेंट। अब देखिए यहाँ भी सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहाँ लॉस की बात हो रही है, लॉस दिए हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालना, सेम क्वेश्चन 2 की तरह, डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन 2 में हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना था, यहाँ लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। एक चीज़ और है, अब इन दोनों ही क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, CP निकालना होगा, क्योंकि दोनों में गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज दोनों में हमें फार्मूला तो आपको याद ही है, CP जरूर होते हैं फार्मूला, है ना, लॉस परसेंट है तो क्या होगा, लॉस बाई CP इंटू 100%, तो CP तो यहाँ दिया नहीं है तो हमें सबसे पहले CP निकालने हैं, क्लियर। तो देखिए मान लीजिए इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिर से, मान लीजिए 8 रुपीज़ में मान लीजिए आपने कोई सामान सेल किया, तो ये 8 आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 8 रुपीज़ में आपने सामान बेचा और आपको उस पर 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो लॉस यानी कि माइनस, क्लियर है कि CP में से हम जब लॉस माइनस करेंगे तभी तो कॉस्ट होगा, है ना। CP में से हम 2 रुपीज़ मान लीजिए आपको यही यहाँ CP निकालना, CP में से हम 2 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस 8 आया, तो सेलिंग प्राइस एंड लॉस दिए हुआ तो CP हम कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 8 + 2 = 10, तो 10 हुआ, तो 10 यानी कि CP 10। अब देखिए 10 - 2 = 8 हो रहा है, क्लियर। तो जब लॉस आपको मालूम हो, सेलिंग प्राइस पता हो एंड CP निकालना हो तो लॉस प्लस SP हम कर लेंगे तो हमारा CP निकल जाता है, यही काम हमें यहाँ पे करने हैं। तो SP हमारा 770 लॉस दे रखा है, तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP प्लस लॉस, तो 770 + 110,
दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, निकल गया ₹880। नाउ लॉस परसेंट हम निकाल लेंगे क्योंकि लॉस तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी होता है, तो लॉस है 110 अपॉन सीपी हमने निकाल लिया 880 इंटू 100%। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 11 8 जार एंड 11 1 जार एंड ये 0 10, क्लियर। अब ये हो गया 10 × 10 इज इक्वल टू 100/8। अब 8 से डायरेक्ट 100 को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाता है हमारा 12.5% इज द आंसर, क्लियर। यहाँ आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से करोगे, है ना, 2 से करोगे, ऊपर भी 2 से करोगे, लंबा जाएगा। डायरेक्ट हमने 100 को कर दिया क्योंकि ये ईजी होता है ना, 100 में 1000 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करना डायरेक्ट आप कर दो तो जल्दी आंसर निकलता है, इसीलिए डायरेक्ट हमने कर लिया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, रशीदा बॉट 25 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹9.60 पर डजन, ठीक है। तो पहले इस लाइन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 25 डजन मीन्स टोटल एग कितने हुए, 1 डजन में 12 होते हैं तो टोटल एग कितने हो गए 12 × 25। तो ये हमने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ एग इज इक्वल टू 12 × 25 इज इक्वल टू 300 एग्स, क्लियर। अब आगे फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। रशीद बॉट 25 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹9.60 पर डजन, ठीक है। तो 1 डजन का कॉस्ट हमें दिए हुआ है तो 25 डजन का कॉस्ट हम निकाल लेंगे। तो हमने लिख लिया सीपी फॉर 1 डजन इज इक्वल टू ₹960, ये गिवन है हमारा। तो सीपी फॉर 25 डजन क्या हो जाएगा, 25 × ₹9.60, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आ गया ₹240। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 30 एग्स वर ब्रोकन, अब 30 एग टूटे हुए हैं। जब टूटे हुए हैं तो 30 को हटा देंगे तो बचे कितने एग वो निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रोकन एग 30, देयरफॉर रिमेनिंग एग्स कितने बच रहे हैं। तो देखिए टोटल एग हमने निकाला 300 एग्स, तो इस 300 में से 30 को माइनस कर देंगे, टूटे हुए को टोटल में से 30 माइनस कर दिया टूटा हुआ, तो बच गया 270 एग्स, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है एंड सी सोल्ड रिमेनिंग एग्स एट ₹1 ईच, और जो एग उसके बच रहे हैं उन एग्स को वो ₹1 में एक एग बेच रही है, ठीक है। तो 1 एग का कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस बेचना है तो सेलिंग प्राइस ₹1 है। तो ये हम लिखने लिख लिया सेलिंग प्राइस फॉर 1 एग इज इक्वल टू ₹1 एंड टोटल 270 एग बचे हुए एग्स हैं। तो सेलिंग प्राइस फॉर 270 एग्स क्या हो जाएगा, 270 × 1 270 एग्स, ₹270। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ गया एंड ये कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट, है ना, गेन और लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो गेन या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग गेन या लॉस निकालना होगा पहले, उसके लिए सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस देखने हैं कि क्या हुआ। तो देखिए हमने यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल लिया 270, कॉस्ट प्राइस 240, तो क्लियर है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। सेलिंग प्राइस बड़ा होने का मतलब प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 270 माइनस 240, इसे माइनस किया तो आ गया ₹30, ठीक है। हमें परसेंटेज निकालने के कहा गया, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, तो वही हमने लिख लिया प्रॉफिट ₹30, तो 30 बाई सीपी में 240, या 240 कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था, तो वो 240 इंटू 100%। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 3 × 1 = 3 × 8 = 24, तो ये हमारा क्या बच गया 100/8, 8 से अब 100 को हमने डिवाइड किया तो आ गया 12.5% इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹20,000 एंड ₹1,400 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है। एक कोई आर्टिकल है, कोई सामान है जिसका कॉस्ट दे रखा है 20,000 है, एंड वो सामान लाने के बाद उसमें कुछ मान लीजिए टूट फूट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई, है ना, तो उसको रिपेयर कराने का 1400 अलग से खर्च लग रहा है। तो क्लियर है कि हमारा सीपी टोटल क्या हो जाएगा। मान लो आप कोई सामान आप खरीद के ₹10 में, मान लो पेंसिल खरीद के लाया आपने, उस पेंसिल में कहीं पे कुछ खरोच आ गई, कुछ हो गई, प्रॉब्लम है, तो उस पेंसिल को आपने ठीक कराने के लिए क्या किया, ₹2 एक्स्ट्रा लगा लिया आपने। तो आपका सीपी टोटल प्राइस आपका कितने का पड़ा, पेंसिल 10 + 2 = 12 का पड़ा। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि कॉस्ट आर्टिकल का 20,000 है, ठीक है,
उसके बाद उसके एक्स्ट्रा रिपेयर जो ओवरहेड्स एक्सपेंसेस उस पर आए वो हो गए 1400। तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल सीपी निकल जाएगा। अब आगे कह रहा है इफ़ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ये उसके बाद इसे 20% के प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है ना, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस उसका क्या है वो फाइंड करना है। क्लियर? तो हमने लिख लिया सीपी इक्वल टू ₹20,000 गिवन है, स्पेंट ऑन रिपेयर ₹1,400 ये भी गिवन है। तो टोटल सीपी हम निकाल लेंगे, इस सीपी प्लस एक्स्ट्रा खर्च दोनों को ऐड कर लेंगे तो 20,000 प्लस 1400 ऐड किया तो हो गया ₹21,400। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट 20% दे रखा है एंड सीपी हमारा निकल गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। क्लियर? एंड प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। ठीक है, जब आपको सीपी मालूम हो, प्रॉफिट परसेंट मालूम हो तो प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे वो तरीका यहाँ ध्यान दीजिए आप। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में दे रखा है 20%, तो इधर हम 20 लिख लेंगे इज इक्वल टू, प्रॉफिट तो दिया नहीं है तो इसे एज इट इज रखने देंगे, पी फॉर प्रॉफिट बाई सीपी। आप इसे पूरा प्रॉफिट का स्पेलिंग भी लिख सकते हो, सॉरी सीपी हमारा आ गया 21,400। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21,400 इंटू 100%। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन प्रॉफिट हम राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं पी इज इक्वल टू, चलिए प्रॉफिट पूरा स्पेलिंग ही लिख लीजिए, कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 214 इंटू 20, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4,280 रुपीज। इसका ये हमें प्रॉफिट निकल गया। कैसे निकला, इन दोनों को हमने इंटू कर लिया। ठीक है, अब प्रॉफिट निकल गया। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताने हैं, तो सेलिंग जब आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने लिख के प्रॉफिट निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें निकालने थे, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी हमारा आ गया है 21,400। हमेशा सीपी जो यूज करोगे, जो हमने टोटल सीपी निकाला इसी को यूज करना है। ठीक है, तो 21,400 प्लस प्रॉफिट है 4,280, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा विच इज रुपीज 25,680 इज द आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 6 इज अ शॉपकीपर बाइज 200 बाईसाइकिल एट ₹1,200 पर बाईसाइकिल, ही स्पेंड्स ₹30 पर बाईसाइकिल ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ही ऑल्सो स्पेंड ₹4,000 ऑन एडवर्टाइजिंग, देन ही सेल्स ऑल द बाईसाइकिल एट ₹1,350 पर पीस, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, ऑल्सो कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बाईसाइकिल का कॉस्ट ₹1,200 है एंड शॉपकीपर ने 200 बाईसाइकिल खरीदा, तो सबसे पहले 200 बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने निकाल लिया सीपी फॉर वन बाईसाइकिल ₹1,200, तो सीपी फॉर 200 बाईसाइकिल क्या हो जाएगा, 200 इंटू 1200 इज इक्वल टू 2,40,000। क्लियर? अब आगे की लाइन में कह रहा है ही स्पेंड्स ₹30 पर बाईसाइकिल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक बाईसाइकिल के ट्रांसपोर्टेशन पे वो ₹30 खर्च करता है एंड उसके पास 200 बाईसाइकिल है, तो 200 बाईसाइकिल के ट्रांसपोर्टेशन पे क्या खर्च करेगा वो निकालने हैं। तो हमने लिख लिया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फॉर वन बाईसाइकिल इज इक्वल टू ₹30, सो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फॉर 200 बाईसाइकिल क्या होगा, 30 × 200 इज इक्वल टू ₹6,000। ठीक है, तो 200 बाईसाइकिल के ट्रांसपोर्टेशन पे ₹6,000 खर्च कर रहा है। अब आगे कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग पे 4,000 खर्च कर रहा है ना, पूरे की एडवर्टाइजिंग पे 4,000, तो हमने लिख लिया एडवर्टाइजिंग चार्ज 4,000। अब यहाँ देखिए 200 बाईसाइकिल है, उसका कॉस्ट प्राइस है 2,40,000 में वो खरीदता है एंड इसके बाईसाइकिल के
ट्रांसपोर्टेशन पे टोटल 6,000 खर्च कर रहा है, एडवर्टाइजिंग पे 4,000, तो उसकी पूरी लागत क्या हो गई, पूरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, उसे हम ऐड कर लेंगे जो हमारा टोटल सीपी निकल जाएगा। तो हमने लिख लिया टोटल सीपी इज इक्वल टू 2,40,000 जो कॉस्ट हमने निकाला, उसके बाद ये 6,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एंड एडवर्टाइजिंग चार्ज, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 2,50,000, ये टोटल सीपी हो गया। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में हमें दे रहा है सेलिंग, है ना, एक बाईसाइकिल वो 1,350 रुपीज़ में सेल करता है। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस फॉर वन बाईसाइकिल रुपीज़ 1,350 है, तो सेलिंग प्राइस फॉर 200 बाईसाइकिल, टोटल 200 बाईसाइकिल है, तो 200 बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 200 इंटू 1,350 इंटू करेंगे तो ये आ गया हमारा 2,70,000। क्लियर? तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया एंड 2,50,000 ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो हमें यहाँ यही कुछ पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो क्लियर है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। तो हम निकाल लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया हमारा रुपीज़ 20,000। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो वो हमने सॉल्व कर लिया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, तो प्रॉफिट है 20,000 लिख लिया अपॉन सीपी जो हमने यहाँ निकाला 2,50,000 वो लिख लिया इंटू 100%। अब देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो मैंने कैंसिल कर लिया, नाउ ये जीरो दो यहाँ कैंसिल हो गया, अब बच रहा है 200 अपॉन 25, तो 25 8,200 तो ये टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू 8% इज द आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 7 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। अब यहाँ इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 90% है किसके, ऑफ इट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 90% है, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है उसका 90% कॉस्ट प्राइस है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ आपको हिंट्स में दे रखा है एसपी एक्स मानकर हमें इसे सॉल्व करना है, सीपी है 90% सेलिंग प्राइस का, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जब हम एक्स मान लिए तो 90 किसका है, एक्स का, 90 ऑफ एक्स परसेंट। क्लियर? तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस्ट प्राइस 90% ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 90% ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ, इज इक्वल टू 90% मीन्स 90 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो हो गया 90x अपॉन 100। आप चाहो तो यहाँ जीरो को कैंसिल भी कर सकते हैं, हम ऐसे कैंसिल कर दिए तो हमारा क्या बच गया, इज इक्वल टू 9/10 एंड ये एक्स, 9x/10, ठीक है। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट करने होंगे, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, एसपी माइनस सीपी, है ना, तो फॉर्मूला एसपी हमारा एक्स है, सेलिंग प्राइस एक्स है, तो एक्स माइनस सीपी, सीपी है 9x/10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो वो हो गया हमारा 10, जब एलसीएम 10 हो गया तो ये 10x माइनस 9x यानी कि 1x, 1x को हम ओनली x/10 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमारा प्रॉफिट निकल गया, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, ठीक है, तो पहले प्रॉफिट लिखना है जो कि x/10 है, तो हम लिख लेते हैं x/10 प्रॉफिट हो गया अपॉन सीपी, सीपी हमारा निकला है 9x/10, तो यहाँ लिख लेंगे 9x/10 इंटू 100%। क्लियर? अब यहाँ देखिए ये कितने के फॉर्म, 1, 2, 3, 4, जब इस तरह से हमारा फ्रैक्शन बनकर आता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक बार यहाँ रफ में आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ जैसे है 1/2 अपॉन 3/4, ठीक है, इस तरह से जब होता है तो क्या होता है, ये 4 यहाँ आएगा न्यूमिनेटर में आ जाता है, तो 1 × 4 बन जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना, जब इसे हम कैसे लिखेंगे तो 1 × 4 अपॉन 2 × 3 ऐसे बन जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ पे होगा, तो ये 10 कहाँ जाएगा, x के साथ, तो इसे हम लिख लेंगे x × 10 अपॉन ये 10 एंड 9x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 10 × 9x × 100%। क्लियर? अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है,
इसी तरह से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच रहा है 100 बाई 9, तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 100 बाई 9 इज इक्वल टू, अब 9 से इस 100 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 11 होल 1/9% इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, राव बॉट नोटबुक्स एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹35 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर 58, कैलकुलेट हिज गेन परसेंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, गेन परसेंटेज निकालना है। यहाँ क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 नोटबुक का एक मान लीजिए सेट है ना, तो 4 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस ₹35 है, तो क्लियर है कि यहाँ पहले हम क्या करेंगे, 1 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इसी तरह से सेलिंग प्राइस आपको दिए हुआ है 5 नोटबुक का ₹58। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे भी 1 नोटबुक का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। उसके बाद कर रहा है गेन परसेंट निकालना है, गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, गेन निकालेंगे यानी कि प्रॉफिट निकालेंगे, देन गेन परसेंटेज। क्लियर, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया है, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 नोटबुक इज इक्वल टू ₹35, ये गिवन है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 35/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ₹8.75। क्लियर। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 नोटबुक दिया है ₹58, तो 1 नोटबुक का सेलिंग प्राइस निकालेंगे 58/5 इज इक्वल टू ₹11.6। नाउ प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि अब ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, यहाँ हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और क्लियर है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट निकालना है पहले। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP - CP। ठीक है, तो SP हमारा यानी कि सेलिंग प्राइस 11.6 माइनस कॉस्ट प्राइस 8.75, इन्हें माइनस किया तो आ जाएगा ₹2.85। क्लियर। नाउ प्रॉफिट परसेंट निकालना हमें, या गेन परसेंट कुछ भी बोल लीजिए, तो इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP। तो पहले हमने प्रॉफिट यहाँ लिख लिया 2.85 अपॉन CP जो कि हमने यहाँ निकाला था 1 नोटबुक का। क्लियर, इनटू 100%। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद ऊपर में 2 डिजिट, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो 2 डिजिट ऊपर 2 डिजिट नीचे है डेसिमल के बाद, तो इसे हम यहीं पे डेसिमल को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 की टेबल से 285 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 57, एंड 5 से जब 875 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 175। नाउ 25 से डिवाइड कर लेते हैं तो 25 7 जार 175 एंड 25 4 जार 100। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम 57 × 4 कर लेंगे तो ये हो जाता है 228/7। अब 7 से 228 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 होल 4/7% इज द आंसर। आप चाहिए तो इसे डेसिमल भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही सोल्ड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹171। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर राव जो है वो कितनी नोटबुक बेचेगा कि उससे प्रॉफिट ₹171 का होगा। ठीक है, तो कितने नोटबुक सेल करेगा, तो यानी कि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं। तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इज इक्वल टू एक्स प्रॉफिट ऑफ 1 नोटबुक। ऊपर में हमने 1 नोटबुक का यहाँ प्रॉफिट निकाल लिया था, है ना, या निकाला था ऊपर में ना कॉस्ट प्राइस ऑफ, सॉरी प्रॉफिट है ना, हाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2.85। ठीक है, तो ये 1 नोटबुक का ही क्यों, क्योंकि यहाँ 1 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस, 1 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, इसी से हमने प्रॉफिट निकाला। दैट मीन्स 1 नोटबुक पे प्रॉफिट ₹2.85 है। क्लियर, तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्रॉफिट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹2.85। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि उसे प्रॉफिट होना चाहिए ₹171 का हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 नोटबुक का ₹2.85 है एंड बुक कितने सोल्ड कर रहा है, एक्स हमने माना है। दैट मीन्स एक्स इंटू 285 हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 171 आएगा। तो वही हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स इंटू 2.85 इज इक्वल टू 171। क्लियर। नाउ एक्स इज इक्वल टू 171/2.85। अब यहाँ पे देखिए नीचे में पॉइंट है, ऊपर में पॉइंट नहीं है, तो नीचे का पॉइंट अब हम हटा लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं
इस पॉइंट को यहीं पे मैं हटा दे रही, चलिए आगे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू फिर से लिख लेते हैं 171 अपॉन 285। अब देखिए पॉइंट के बाद टू डिजिट है नीचे में, तो इसका जीरो कहाँ जाता है, ऊपर चला जाएगा, तो इन टू 100। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो पहले 3 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, तो 3 से 170 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 57, एंड 285 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 95। नाउ 57 इंटू 100 इज इक्वल टू 5700 अपॉन 95। अब 95 से जब हम 5700 को डिवाइड करेंगे तो ये 60 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 95 सिक्स जार 570 एंड ये 0 60, तो इज इक्वल टू 60%, सॉरी नंबर ऑफ बुक्स निकालना है ना, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड निकालना है, तो इज इक्वल टू 60, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज इक्वल टू 60 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज, अ वेंडर बाइज बनानाज एट 3 फॉर अ रूपी, क्लियर, 1 रुपीज में एक वेंडर क्या है 3 बनाना खरीदता है, तो क्लियर है कि पहले हम कॉस्ट प्राइस कितने का निकालेंगे, 1 बनाना कितने रुपीज का है वो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, एंड सेल्स एट 4 फॉर अ रुपीज, एंड 1 रुपीज में 4 बनाना बेच रहा है, तो यहाँ भी हम सेलिंग प्राइस 4 बनाना का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज दिया है, तो 1 बनाना का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, देन हमें इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो यहीं पे क्लियर है कि देखिए यहाँ 1 रुपीज में 3 बनाना खरीद रहा है और 1 रुपीज में 4 सोल्ड कर रहा है, तो क्लियर है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम लॉस निकाल लेंगे पहले, फिर हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, क्लियर। तो सबसे फर्स्ट में हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बनाना, ये हमें बुक में क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 बनाना का कॉस्ट प्राइस दिए हुआ है रुपीज 1, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 रुपीज, ठीक है। अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनाना इसका भी रुपीज 1, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज 1/4। अब यहाँ हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस आ गया एंड ये सेलिंग प्राइस आ गया, तो इसी से अब हम निकाल लेंगे, क्लियर है कि लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 1/3 है, तो लिख लेंगे 1/3 माइनस 1/4। अब इसे सॉल्व कर लेते थे इज इक्वल टू, तब 3 एंड 4 का एलसीएम ये हो जाएगा 12, नाउ 3 4 जार, तो 4 माइनस 4 3 जार 3, तो इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज ये 4 है 1, तो 1/12 रुपीज का उसे लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज निकालने हमें क्वेश्चन में, तब निकाल लेते हैं लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा लॉस बाय सीपी, तो लॉस है 1/12, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/12 लॉस हो गया अपॉन कॉस्ट, सीपी लिखना है तो कॉस्ट प्राइस कितना आया है सीपी 1/3, 1/3 इंटू 100%। अब इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ, अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ 4th पार्ट में आ रहा है 1/12 अपॉन 1/3, तो क्लियर, तो मैंने पीछे क्वेश्चन में क्या समझा था, ये जो 3 है ये न्यूमिरेटर में आ जाएगा, तो 1 × 3/12 × 1, ठीक है, ये 12 एंड ये 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1 × 3 अपॉन 12 × 1, क्लियर है कि 1 से 1 तो ये कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 4 = 12, तो 1/4 तो इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी 100% तो हमने लिखा ही नहीं, इंटू 100%, ठीक है। अब इस 4 से क्या करेंगे 100 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 100 कितने टाइम्स में डिवाइड होता है 25, तो इज इक्वल टू 25% इज द आंसर, तो लॉस परसेंट क्या हो गया 25%, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज, अ डीलर बॉट अ नंबर ऑफ एग्स एट ₹18 अ डजन, ठीक है, एक डीलर जो है वो बॉट कर रहा है एग, कितना कर रहा है 1 डजन, 1 डजन यानी कि 12 एग खरीदता है कितने में ₹18 में, एंड सोल्ड देम एट 50% प्रॉफिट, एंड 50% प्रॉफिट पे वो उन्हें सोल्ड कर देता है, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एग, तो पर एग क्या सेलिंग प्राइस है ना, 1 एग का सेलिंग प्राइस क्या है ये हमें पूछा जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखना कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 डजन 12 होता है, क्लियर,
सीपी ऑफ 12 एग, तो कॉस्ट प्राइस 12 एग का क्या दिया हुआ है, रुपीज 18, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो 1 एग का हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, तो 18 बाई 12 इसे डिवाइड किया तो आ गया रुपीज 1.5। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट परसेंट, अब क्वेश्चन में हमें आगे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, अब क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट परसेंट है ना, दिए हुआ हमें 50, तो वही हम लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो पहले हम प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट तो दिया नहीं है, प्रॉफिट के लिए क्या हमें चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, और ओनली हमें कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया है, तो वही सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेलिंग प्राइस अब हम इससे कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट 50 दिए हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट 50 हमने लिख लिया। अब यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो हमने क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो प्रॉफिट हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रॉफिट के कैसे बनता है, एसपी माइनस सीपी, तो पहले हम प्रॉफिट का यहाँ फॉर्मूला ले लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, तो ये प्रॉफिट हो गया अपॉन सीपी इंटू 100%, तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है ही, वही हम आगे लिख लेंगे। तो देखिए 50 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस तो हमें निकालना है, इसे एज इट इज रहने देंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह 1.5 अपॉन 1.5 इंटू 100% कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों जगह। नाउ 50 इंटू 1.5 ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 50 इंटू 1.5 जब इंटू करेंगे तो क्या आता है 75.0, तो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं, ओनली 75 लेंगे, इज इक्वल टू अब जो बच रहा है एसपी माइनस 1.5, इसे ब्रैकेट में हमने ले लिया, इंटू 100%। क्लियर, अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्या करें, अब इक्वल टू के दोनों तरफ नंबर्स है, दैट मीन्स ये डिवीजन में आएगा, तो 75 अपॉन 100 नंबर्स को हमने एक साथ ले लिया, तो 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी माइनस 1.5, अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 25 से डिवाइड किया, 25 3 जार एंड 25 4 जार 100, तो 3 अपॉन 4, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 अपॉन 4। अब ये जो नंबर को एक साथ हमें लेने हैं, तो माइनस 1.5 है, राइट हैंड टू लेफ्ट में आ रहा है, माइनस है तो क्या होगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस 1.5 इधर हमने ले लिया, इज इक्वल टू एस पी सेलिंग प्राइस। अब 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 0.75, तो ये हमने लिख लिया, प्लस ये 1.5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाता है 2.25। ठीक है, तो 2.25 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ही हमें निकालना है, वो निकल गया, तो हम आंसर लिख लेंगे, हेंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 2.25 इज द आंसर। क्लियर, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।